हेलो एंड वेलकम टू ड्रूम डिस्कवरी। आज हम एक नया एपिसोड लेके आए हैं चैट ऑन व्हील्स का आपके लिए। और आज चैट ऑन व्हील्स में हम बात करेंगे इंडिया की फर्स्ट इंटरनेट कार ट्रेंड सेटर एमजी हेक्टर के बारे में। जून 2019 में एमजी ने इंडिया की फर्स्ट इंटरनेट कार को लॉन्च किया था और आज उसका फेसलिफ्ट वर्जन हमारे आगे है। देखते हैं पुरानी हेक्टर और नई हेक्टर में क्या चेंजेस आए हैं। चैट ऑन व्हील्स में मेरे साथ बात करने के लिए हैं ड्रूम डिस्कवरी के एसोसिएट एडिटर मयंक गुप्ता। वेलकम टू चैट ऑन व्हील्स मयंक। आपसे मैं जानना चाहूँगा किसी भी गाड़ी का जो चेंजेस है एक्सटीरियर चेंजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है कस्टमर का, क्या कुछ खासे चेंजेस आए हैं पुराने हेक्टर से नई हेक्टर में? थैंक यू शशांक। जैसा कि आप देख सकते हैं एमजी मोटर्स ने कुछ खासे बदलाव नहीं किए हैं नई हेक्टर में। और जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे जो मेन प्रोमिनेंट चेंज आपको यहाँ नज़र आता है वो है फ्रंट ग्रिल में। और आपको पता है इंडियन कंज्यूमर्स आर ऑलवेज सो फैसिनेटेड बाय द फ्रंट ग्रिल, सो एमजी ने इसी को ध्यान में रखते हुए इस ग्रिल में जो चेंज किया है वो आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है। सो उसके बाद अगर हम बात करें हेडलैम्प्स की, तो हेडलैम्प डिज़ाइन इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, एमजी ने इसको रिटेन रखा है। हालांकि ये काफ़ी चर्चा का विषय था कि ये बहुत स्लीक है बिकॉज, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं फॉग लैंप्स पे, तो अगर फॉग लैंप डिज़ाइन की आप बात करेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर प्रीवियस मॉडल के। और फिर अब हम बम्पर की बात करें तो बम्पर डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट सेम है। एंड नाउ इफ वी गो टू द स्किड प्लेट, तो एमजी ने इसको भी ऑलमोस्ट मोर और लेस रिटेन ही रखा है। सो अगर आप प्रोमिनेंट चेंज की बात करें फ्रंट फेसिया में, जो कि इंडियन कंज्यूमर्स की को ध्यान में रखते हुए किया गया है, तो इट्स ओनली द फ्रंट ग्रिल विद एमजी लोगो इन द सेंटर। सो शशांक, फ्रंट प्रोफाइल के चेंजेस सम अप करने के बाद अब हम आ जाते हैं साइड प्रोफाइल में। तो जैसा कि आपने नोटिस किया, फ्रंट में एमजी ने सिर्फ एक ही प्रोमिनेंट चेंज किया था, वो था ग्रिल के रूप में। बिल्कुल सेम पैटर्न एमजी ने साइड प्रोफाइल में फॉलो किया है और सिर्फ एक बड़ा चेंज आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि है एलॉयज के रूप में। जहाँ पिछली हेक्टर में 17 इंच एलॉयज मिलते थे, इस हेक्टर में एमजी ने इसको एक इंच से बढ़ा दिया है। नाउ यू विल गेट 18 इंच एलॉय व्हील्स इन द न्यू हेक्टर। और अब आपको ये ब्रांडिंग दिख रही होगी इंटरनेट इनसाइड की, एमजी ने बड़े ही इसको पिक्यूलियर तरीके से यहाँ पे गाड़ी पे लगाया है ताकि ये लोगों को एहसास दिलाती रहे कि इट इज़ इंडियाज फर्स्ट कनेक्टेड इंटरनेट कार। और अब बात करते हैं ORVMs की, तो दे आर स्टिल सिमिलर टू द प्रीवियस हेक्टर। एंड इफ़ यू लुक एट द रूफ रेल्स की अगर आप बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही हैं पिछली हेक्टर जैसे ही हैं। जहाँ तक डोर हैंडल्स का सवाल है, ये भी एमजी ने रिटेन रखा है पिछली हेक्टर से। समय की ये थी बात साइड प्रोफाइल की। किसी भी गाड़ी का जो रियर प्रोफाइल है वो एक उसकी पोजिशनिंग सेट करता है और कस्टमर को अट्रैक्ट भी करता है। क्या कुछ नए चेंजेज आए हैं रियर प्रोफाइल हेक्टर में? बिल्कुल शशांक, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि रियर प्रोफाइल जो है वो किसी भी गाड़ी की पोजीशनिंग में या ब्रांडिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जहाँ तक एमजी हेक्टर के रियर एंड का सवाल है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपको जो एक मेजर चेंज मिलेगा वो है रियर एप्लीक के रूप में। जहाँ पहले हेक्टर में आपको ये रेड कलर में मिलता था, वहाँ एमजी ने इसका कलर अब ब्लैक कर दिया है। इफ़ यू रिमेंबर लाइक पिछली हेक्टर में अगर आप देखोगे गौर से तो ये दोनों टेल लैंप्स जो हैं ये आपको कनेक्टेड फील होते थे बिकॉज ऑफ द रेड कलर ऑफ द एप्लीक, बट अब एमजी ने इसको ब्लैक कलर में कर दिया है। मे बी एमजी ने सोचा कि जो इसका डुअल टोन पेंट शेड है ब्लैक एंड वाइट, उसको मैचिंग के लिए इसको ब्लैक कलर में पेश किया गया है। एंड अगर अब हम बात करें टेल लैंप की, तो ये आपको बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं पुरानी हेक्टर से। और अगर आप आते हैं अब नीचे तो यहाँ डुअल एग्जॉस्ट है जैसा कि पिछली हेक्टर में था, दे आर बोथ सिमिलर। और अब बात करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पर रियर डिफोगर एंड रियर वाइपर। तो ये थे शशांक टोटल चेंजेस एमजी हेक्टर के रियर प्रोफाइल में। हाँ, तो मयंक ये तो बात हुई एक्सटीरियर चेंजेस की, अब हम इंटरनेट कार के अंदर आ चुके हैं, इंटीरियर में क्या कुछ चेंजेस हुए इस गाड़ी में? तो जैसा कि शशांक आपने देखा होगा बाहर एक्सटीरियर में एमजी ने बहुत ही सटल चेंजेस किए थे, बट इंटीरियर के अंदर आपको थोड़े ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर हम इंटीरियर चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले जब आप गाड़ी में घुसते हैं, आप गाड़ी की की को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका जो डिज़ाइन है ये आपको बहुत ही लग्जरियस फील देगा बिकॉज एमजी ने इसको चेंज किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं BMW, Audi उनमें ये डिज़ाइन आता है। अब अगली बात करते हैं हम टोटल कैबिन की अपोल्स्ट्री की। जैसा कि आप देख सकते हैं ये डुअल टोन शेड में मिलता है अब आपको ब्लैक एंड बीज, जबकि पिछली हेक्टर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सिर्फ ऑल ब्लैक कैबिन आता था। तो अब हम आते हैं अगले चेंज पे, जो कि आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग के रूप में। एमजी ने हेक्टर के अंदर वायरलेस चार्जिंग फंक्शन इंस्टॉल किया है और प्रीवियस हेक्टर से ये मिसिंग था। अब हम बात करें अगर नेक्स्ट चेंज की, तो आप जैसा कि देख सकते हैं जिन सीट्स पे आप बैठे हैं
वो अब वेंटिलेशन फंक्शन के साथ आती हैं। तो अब आपको ठंडक में घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक बटन दबाइए और ये अपने आप सीट ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है बिकॉज ऑफ इट्स मैसिव साइज। तो यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते, बस एमजी ने इसमें एक नया फीचर ऐड कर दिया है और वो फीचर क्या है उसका मैं आपको बताता हूँ। अब एमजी ने करा है इसके अंदर वॉइस कमांड इंग्लिश में। अब जहाँ पहले आप इंग्लिश में कमांड देते थे, अब वहाँ आप इसको हिंदी में या इंग्लिश में भी कमांड दे सकते हो। लेट मी शो यू। हेलो एमजी। यस। खुल जा सिम सिम। तो जैसा कि आप शशांक देख सकते हैं, मैंने खुल जा सिम सिम बोला और एमजी ने अपने आप सनरूफ खोल दिया। तो शशांक, ये थे चेंजेस एमजी हेक्टर के अंदर इंटीरियर में जो कि एमजी ने किए हैं। मयंक, एक बड़ा क्वेश्चन मेरे पास आया है। एसयूवी सेगमेंट है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव सेगमेंट है इंडिया का। अगर आप देखेंगे जो इसके क्लोज कॉम्पिटिटर बैठते हैं, टाटा हैरियर हो गया, जीप कंपास हो गया, हुंडई क्रेटा हो गया, सब ने अपना फेसलिफ्ट वर्जन निकाला है। क्या एक ट्रेंड सेटर बन गया है OEMs के लिए कि फेसलिफ्ट वर्जन निकालना ज़रूरी है चेंजेस के साथ? वेल शशांक, जहाँ तक फेसलिफ्ट वर्जन की बात है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं MG हेक्टर का फेसलिफ्टेड वर्जन ला रहा है बिकॉज इसको मार्केट में आए हुए 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया है। और अगर हम इसके राइवल्स की बात करें, जैसा कि आपने नाम लिया जीप कंपास, तो जीप कंपास का भी फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च हो रहा है जो कि बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में आएगा। और जहाँ तक टाटा मोटर्स का सवाल है, ऐसा हमें सुनने में आ रहा है कि टाटा मोटर्स भी हैरियर का पेट्रोल वर्जन ला रहा है। और जहाँ तक क्रेटा का सवाल है, क्रेटा तो आप जानते ही हैं, ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है न्यू जनरेशन पिछले साल मार्च में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइक फेसलिफ्टेड वर्जन लाना एक ट्रेंड बन गया है या कुछ। जब OEM को लगता है कि उनकी गाड़ी आउटडेटेड हो रही है थोड़ी फीचर्स के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से, या उनको इंजन परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तो वो एक फेसलिफ्टेड साइकिल फेसलिफ्टेड वर्जन ले आते हैं। ओके, अगर हम बात करें MG के बारे में, MG ने इंडिया की फर्स्ट इंटरनेट कार लॉन्च की थी, ट्रेंड सेटर है। आपको क्या लगता है ट्रेंड सेटर बनने का कितना कुछ फ़ायदा मिलेगा MG को इस गाड़ी के लिए? ये तो आप भली भांति जानते हैं कि ट्रेंड सेटर जो होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा रहता है उसके पास। तो MG ने शुरुआत करी इसको, MG ने बोला कि इंडिया की फर्स्ट इंटरनेट कार है, और जैसा कि आप देख सकते हैं उसके बाद ये सूट फॉलो किया किया ने किया सेल्टोस लाई, सेल्टोस के अंदर किया ने इंट्रोड्यूस किया अपना यूवो कनेक्ट टेक्नोलॉजी विथ 50+ फीचर्स, कनेक्टेड कार फीचर्स। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा जब क्रेटा लॉन्च हुई थी, न्यू जनरेशन क्रेटा, उसके अंदर ह्युंडई ने लॉन्च किया था ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी, सिमिलर रूट फॉलो किया, ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी में भी 50+ फीचर्स थे कनेक्टेड कार के। तो एक तरह से आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि MG वॉज द ट्रेंड सेटर फॉर द कनेक्टेड कार फीचर्स, जो कि इंडिया के अंदर बिल्कुल पहले सुनने में नहीं आता था, या मिलता था आपको तो हाई एंड लग्जरी कार्स में मिलता था। तो सर्टेनली MG को बेनिफिट की है ये चीज़, और जैसा कि आपने देखा इस गाड़ी का बहुत नाम हुआ था उस टाइम, लोग हर तरफ चर्चा थी, तो डेफिनेटली जो ट्रेंड सेटर है उसका फ़ायदा MG को मिला है। बिल्कुल। बात करें अगर MG की, ट्रस्ट कितना कमाया है मार्केट में? अगर आप गाड़ियों की बात करें, आफ्टर सेल्स एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मैं सबसे पहले देखता हूँ कि इस गाड़ी की सर्विस मुझे कहाँ कहाँ मिलेगी। आपको लगता है MG ने कितना ट्रस्ट कमा चुका है अभी तक मार्केट में? वेल, जहाँ तक आप बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की और अर्बन सर्किट्स की, वहाँ पे हेक्टर ने अच्छा खासा नाम कमाया है, MG ने अपना रेपुटेशन भी बिल्डअप किया है। और आफ्टर सेल्स की जहाँ तक बात है, आप जैसे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज़ में MG के ऑलमोस्ट हर जगह शोरूम्स हैं, सर्विस सेंटर्स भी हैं। हाँ, रूरल पेनिट्रेशन अभी उतना नहीं हुआ है, बट जहाँ तक हमें सुनने में आया है MG इज़ वर्किंग वेरी अग्रेसिवली टुवर्ड्स देयर एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेंटर्स एंड डीलरशिप नेटवर्क। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको ये गाड़ी किसी स्मॉल टाउन या विलेज में भी देखने को मिल जाए। प्राइसिंग हमारे पास है, क्या लगता है आपको जो क्लोज राइवल्स हैं उसके अगेंस्ट कितना अच्छा स्टैंड करती है? राइवल्स हमें पता ही हैं, जीप कंपास है, हुंडई क्रेटा है, टाटा के हैरियर है, किया सेल्टोस एक ऐसी SUV है जिसने बहुत अच्छा नंबर सेल किया है 2020 में। क्या लगता है आपको कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट कहाँ खड़ी हो पाएगी गाड़ी? वेल, मेरा ये मानना है शशांक कि MG ने जिस तरीके से इसको पेश किया है, एक ओवरऑल पैकेज है ये, तो इसका अपने राइवल्स के साथ बहुत ही तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। और बिकॉज आपको कई चीज़ें इसमें नई भी देखने को मिली है इंटीरियर में, और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो इसके राइवल्स में, चाहे आप टाटा हैरियर की बात करें, चाहे आप जीप कंपास की बात करें, चाहे आप क्रेटा की बात करें, चाहे सेल्टोस की बात करें, उसमें मिसिंग है वो। तो ये MG को, एक हेक्टर को एक बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है यहाँ पे,
कि जो फीचर लिस्ट है इसका, ये बहुत ही एक्सटेंसिव है और बहुत ही फर्स्ट क्लास फीचर्स हैं, बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स हैं। तो मेरे हिसाब से कंपटीशन इस बार बहुत ही तगड़ा रहने वाला है एंड द हेक्टर इज सर्टेनली गोइंग टू हीट अप द कंपटीशन। थैंक्स लॉट मयंक। तो ये था हमारा चैट ऑन व्हील्स 2021 की पहली एसयूवी लॉन्च एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट वर्जन का। इस गाड़ी के बारे में आपके पास क्या सवाल है कमेंट में लिख के हमें बताना मत भूलिए। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही जल्द हम इसका एक टेस्ट ड्राइव रिपोर्ट आपके लिए लेके आएंगे, जैसे ही गाड़ी अवेलेबल होगी टेस्ट ड्राइव के लिए हमारे पास। आपको ये वीडियो कितना पसंद आया लाइक करके बताना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आया आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो कंटेंट आप देखें तो ड्रूम डिस्कवरी के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत ही जल्द आपको मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए चैट ऑन व्हील्स के साथ। डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड एट ड्रूम डिस्कवरी।